हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में वी एस कोड डाउनलोड करना सीखेंगे विंडोज़ 10 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम में सर्च करेंगे डाउनलोड वी एस कोड। अब ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अब इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक विंडोज़ के लिए, एक लिनक्स के लिए और एक मैक के लिए। तो हमें विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है विंडोज़ 10 के लिए, तो ये वाला इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये शुरू हो गया है, इसे डाउनलोड होने देना है। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारी ये VS कोड डाउनलोड ही होने वाला है। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब इसे हम फोल्डर में ओपन कर लेंगे, शो इन फोल्डर में। यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। इस एग्रीमेंट पे हम आई एग्री पे कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं ब्राउज करके। फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको स्टार्ट मेन्यू में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वी एस कोड, तो हम इसे ऐसे रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रहा है सेलेक्ट करने के लिए, इसमें हम सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको अनसेलेक्ट कर रखेंगे। ये बीच के दो को हम अनसेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट। अब यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा, इसे टाइम देना है। अब फिनिश कर देंगे हम, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। फिनिश करेंगे, अब ये अपने आप ओपन हो जाएगा हमारा वी एस कोड। ये देखो, ये ओपन हो रहा है। सबसे पहले हम इसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं इसको। अब हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाके ये ओपन फोल्डर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, कुछ भी नाम दे देंगे। मैंने प्रोग्रामिंग फाइल्स दे दिया, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे, तो ये उस फोल्डर में हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस फोल्डर में अपनी फाइल क्रिएट करेंगे, कुछ भी हो सकती है, जावा, पाइथन, कुछ भी। मैं पाइथन की फाइल क्रिएट करूँगा क्योंकि मैंने पाइथन डाउनलोड कर रखा है अपने में। कुछ भी नाम देके .py लिख देंगे तो वो पाइथन की फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसी फोल्डर में क्रिएट होगी जो हमने क्रिएट करा था। अब यहाँ पर हम ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा वी एस कोड पाइथन का जो जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे वी एस कोड में, जिससे हमारा पाइथन रन होता है। ये इंस्टॉलिंग हो रही है अभी, इसे इंस्टॉल होने देंगे, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो, ये हो रहा है इंस्टॉलिंग लिखा हुआ। ये हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, अब इसे यहाँ से काट देंगे। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करके। बीच में अपना कोई मैसेज डाल देंगे, हेलो व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम इसको रन करेंगे,
सेव करके यहाँ से ये रन हो जाएगा। क्लिक करा, ये देखो ये हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो गया, हेलो व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वैसे हम कोई दूसरी भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करके, जैसे हम जावा की फाइल क्रिएट करना चाहें तो कोई भी नाम लिख के डॉट जावा लिखेंगे, इससे हमारी जावा की फाइल क्रिएट हो जाएगी। और इस पर हम एंटर करते ही हमसे ये जावा का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, उसे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने एंटर करा, ये देखो नीचे आ गया जावा का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए। इस पर हम इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे हम इस पर वर्क कर पाएंगे।